नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू YouTube चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम है रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसका टाइटल है कि मोहम्मद शाह से वफा, अल्लामा इकबाल बेस्ट पोएट्री। सो दोस्तों, टाइटल से ही पता चल रहा है कि जो अल्लामा इकबाल है इसमें मतलब बेस्ट पोएट्री होने वाली है उनकी। तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट उर्दू पोएट्री ऑफ कलेक्शन ऑफ अल्लामा इकबाल। ये थे अल्लामा इकबाल, मेरे ख्याल से काफी पुराने थे ये। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। हैरानी इनकी बातों में, वो तो ना पर नहीं ताकते परवाज मगर सेट पोएट्री सुना रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। ओहो, क्या लाइन बोली है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए। जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। वो फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, वो फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। लाइन बोल रहे हैं ना। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती। हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। कौम मजहब से दर्द है इनकी पोएट्री में। मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं। जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। तू शाही है, परवाज है काम तेरा। तू शाही है, परवाज है काम तेरा। तेरे सामने आसमान और भी हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं,
कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। काफी अच्छी लाइन बोली है। नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशिगर, आग बदल की सारी सुनते रहो बस। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। काफी हिट करती है ये ना। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। मोमिन है तो बेतैल भी लड़ता है सिपाही। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं। के शाही बनाता नहीं आशियाना, अपने मन में डूब कर पाजा सुराहे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराहे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से। जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को, इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को। वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। आईने जवां मर्दा हक गोई बेबाकी, आईने जवां मर्दा हक गोई बेबाकी। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही, ये बंदगी खुदाई वो बंदगी गदाई, ये बंदगी खुदाई वो बंदगी गदाई। या बंदा खुदा बन या बंदा जमाना,
हैं लोग वही जहां में अच्छे, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। क्या लाइन बोल गया। सो दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, और दोस्तों तो इस वीडियो में मतलब जो पोएट्री थी काफ़ी सैड और इमोशनल टाइप की थी, मतलब हाँ मतलब कि इसको सुन के मतलब कि ऐसा लग रहा था जो मतलब कि दिल पे हार्ट टचिंग जो इनके पोएट्री थी, काफ़ी हार्ट टचिंग पोएट्री थी। और मेरे ख्याल से ये जो मतलब कि किसी वाक्य मतलब किसी इंसान के व्यक्तित्व के बारे में, किसी हाँ किसी या आपस के व्यक्तित्व के बारे में बयान कर रहे थे ये। हाँ, और देखा जाए तो वैसे जो ये मतलब अल्लामा इकबाल की इनकी पोएट्री मतलब ये इन्होंने नहीं पढ़ी, मतलब किसी और ने मतलब लिखी इन्होंने है, पर पढ़ी किसी और ने इस वीडियो में, है ना। हाँ मतलब इनकी आवाज़ लग नहीं रही थी कि इनकी आवाज़ जैसे हाँ हमने सुनी है, इनकी आवाज़ काफ़ी थोड़ी वैसी आवाज़ थी, अगर ये लग रहा था किसी मतलब कि किसी हाँ, किसी ने आदमी सच में ने पढ़ाई है पढ़ी ये। है इनकी जो पोइट्री है, वो आपस में पढ़ी है, और उन बंदे ने भी बहुत अच्छी पोइट्री पढ़ी है, हाँ काफ़ी इनके मतलब फीलिंग मतलब जो कहते हैं ना फील करके पढ़ा है इसको। हाँ हाँ मतलब जो मतलब जिस तरह से पढ़े थे, ऊपर से जो बैकग्राउंड जो मतलब वो साउंड था मतलब म्यूजिक था काफ़ी मतलब सैड वाला ही था वो भी, है ना, थोड़ा मतलब मैचिंग कर रहा था थोड़ा। हाँ मैचिंग मतलब कि कहते हैं हाँ जो उन्होंने पोइट्री पढ़ी है, और फिर जो थोड़ा साउंड्स भी थोड़ा हाँ थोड़ा सैड 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 सा सा साउंड था। बज रहा था, और काफ़ी उसको मतलब कि जो एक पूरा एक तरह से एक पूरा कहते नहीं पूरा वो वाक्य पूरा ओके हो जाता है, वो ऐसे हाँ बन के मतलब सुनाई दे रहा था। अच्छा, सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।